हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस क्या आपके पास रियलमी का 10 प्रो मोबाइल है? जी गाइस, अगर आपके पास रियलमी का 10 प्रो मोबाइल है और आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस क्या आपका भी मोबाइल हीट हो रहा है? जी गाइस, अगर आपका भी डिवाइस हीट हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको पता है जो बीच में टाइम आता है मई जून का, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है। उस टाइम में लोगों को लगता है कि हमारा मोबाइल कहीं फट नहीं जाए, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा उस कंडीशन में आपका डिवाइस ओवरहीट भी हो जाता है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है ऑटोमेटिकली हीट हो रहा है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारे मोबाइल में जितना ओल्ड होता है ऑटोमेटिक हीट हो रहा है। किसी भाई का सवाल है हम जब गेमिंग करते हैं तो हीट हो जाता है। किसी भाई का सवाल है चार्जिंग करते टाइम हीट हो जाता है। सबसे पहली बात, नॉर्मली टाइम हीट होता है आपका या कैमरा यूज करते टाइम हीट होता है, आप क्या करोगे? नॉर्मली टाइम हीट होता है तो सबसे पहले आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपको चेक करनी है। ये कहीं आपके डिवाइस में ऑन तो नहीं रहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। जैसे आप किसी की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऐसे ही आपका वाईफाई ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ रखना है। ये आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं फालतू में, जिससे हमारे डिवाइस की बैटरी है वो यहाँ पर हीट होने लगती है और हमारा मोबाइल एक तरह से रन करने लगता है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो अपने डाटा को ऑन करके रखते हैं, तो ये भी गलती नहीं करनी है। चार्जिंग करते हैं हमेशा आपका डिवाइस ओवरहीट हो जाएगा, क्योंकि आपका मोबाइल ऑनलाइन होने से पूरा मोबाइल एक तरह से रन करने लगता है एंड नोटिफिकेशन वगैरह हर एप्लीकेशन के आने लगते हैं। तो हमेशा आपको डाटा को ऑफ करके रखना है जब आप चार्जिंग कर रहे हो, और फालतू में भी डाटा को ऑन नहीं करना है जब आप इंटरनेट चला रहे हो या मोबाइल को यूज कर रहे हो, तभी डाटा ऑन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं मोबाइल को पॉकेट में रखे रहते हैं बट उनका डाटा ऑन होता है, तो ये भी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, फिर आपका डिवाइस हीट नहीं होगा एंड आपका बैटरी बैकअप भी खराब नहीं होता है। एंड गाइस यहाँ पर एक स्क्रीन पे एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे चार्जिंग करते टाइम हीट होता है या गेमिंग करते टाइम हीट होता है, तो आप हमेशा एक काम करो, जो भी चीज़ आप चला रहे हो फेसबुक व्हाट्सअप यूट्यूब वगैरह, यहाँ से आपको रिसेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लोज ऑल करके ही यहाँ पर निकालना है इसे। अब आपको अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाना है या गेमिंग वगैरह करनी है, फिर आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा, क्योंकि आपके डिवाइस में जो यहाँ पर जो चीज़ें आपने पहले यूज कर ली है वो आपके बैकग्राउंड में खुली रहती हैं और वो भी रन करती हैं, और आप कोई नई चीज़ टास्क कर रहे हो गेमिंग वगैरह कर रहे हो वो भी रन करने लगती है, या आप चार्जिंग कर रहे हो तो आपके बैकग्राउंड में पहले से ही वो चीज़ें चल रही हैं रन कर रही हैं और आप चार्जिंग यहाँ पर कर रहे हो, फिर भी आपका डिवाइस हीट हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप चार्ज कर रहे हो हमारा मोबाइल को रिसेंट से सब चीज़ निकालने के बाद ही चार्ज करो, या गेमिंग वगैरह करने जा रहे हो तब भी आपको रिसेंट को क्लीन करने के बाद ही गेमिंग करनी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना सेटिंग के अंदर, जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे आना है आपको बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बस यहाँ पर अब आपको जाना है यहाँ पर फोन बैटरी यूज में। जैसे आप फोन बैटरी यूज में जाओगे यहाँ पर डाटा आता है कि आपका सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आप यूज़ करते हो और कौन आपका मोबाइल में हीट कर रहा है। सबसे पहली बात आपको एक एक करके सभी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टू डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक एक करके फोर्स स्टॉप कर देनी है। इससे क्या होता है ये एप्लीकेशन आपके क्लीन होते रहते हैं फोर्स स्टॉप करने से, तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हो। एंड एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कुछ की यहाँ पर अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी ऑन हो सकती है, तो आपको उसे भी यहाँ पर ऑफ करना डिसेबल। इससे क्या होता है आपके जो एप्लीकेशन है फालतू में बैकग्राउंड में रन करते हैं जिसकी वजह से हमारा डिवाइस हीट होने लगता है, तो ये भी आपको ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ कर दोगे फिर क्या होगा, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन आप यूज करोगे वही आपके बैकग्राउंड में रन करेगा, जो आप एप्लीकेशन यूज नहीं करेंगे वो रन नहीं करेगा। तो आप इस सेटिंग को भी फॉलो कर सकते हो। सिंपली आपको जाना बैक, अब आपको जाना मोर बैटरी सेटिंग में। जैसे आप मोर बैटरी सेटिंग में जाओगे आपको मिलेगा एक परफॉर्मेंस मोड, तो गाइस यहाँ पर आपका मोबाइल हो सकता है हाई परफॉर्मेंस मोड पर हो या स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड पर हो, तो हमेशा आपको जैसे कि मेरा देख सकते हो नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर सेट है, आपको भी इसी पे सेट करना है। आपका मोबाइल इतना हाई परफॉर्मेंस मोड पर चलेगा ऑटोमेटिक आपका डिवाइस हीट होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर लगा देना है, इससे आपकी बैटरी सेव होगी और आपका मोबाइल हीट नहीं होगा। सिंपली आपको जाना बैक, अब आपको एक ऑप्शन देगा ऑप्टिमाइज बैटरी यूज का, तो गाइस यहाँ पर आपकी बैटरी फालतू में हीट होती है चार्जिंग वगैरह करता है या गेमिंग करते हैं हीट होती है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो मेरा ये एक गेम है जैसे कि गेम स्पेस या हॉटस्टार, मान लो गेम है आपको इस पर क्लिक करना है, अभी मेरा आज भी जास्ट लगा है तो इसे आपको ऑटो ऑप्टिमाइज कर देना है। जब भी आप गेमिंग करने जाओगे ऑटोमेटिक आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, जैसे आप ऑटो ऑप्टिमाइज पर सिलेक्ट कर दोगे, इससे ये फायदा हो जाता है। आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो, अब आपका डिवाइस गेमिंग करते टाइम हीट नहीं होगा। सिंपली आपको आना बैक, अगर आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट होता है तो यहाँ पर लिखा है नाइट ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, ये नाइट चार्जिंग होता है क्योंकि सभी लोग नाइट में चार्ज पे लगा के सो जाते हैं और हीट हो जाता है, तो ये भी आप ऑन कर सकते हो। बट इससे क्या होता है जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाओगे ऑटोमेटिक आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, हीट नहीं होने देगा भले ही आप कितनी भी देर मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हैं। तो आपको इसे भी ऑन कर देना है, जैसे आपका ऑफ होगा इसे भी आपको ऑन कर देना है। तो गाइस यहाँ पर ये थी सेटिंग, इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, किसी किसी भाई का सवाल होता है किसी एप्लीकेशन की वजह से उसका मोबाइल हीट हो रहा है, तो आपको किस पे क्लिक करना है, जैसे कि कैमरे की वजह से हीट हो रहा है, एफ इन्फॉर्मेशन में जाना है,
ऐप इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद इसकी जो स्टोरेज है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसे आपको क्लियर कैसे कर देना है। क्लियर कैसे करने से कोई भी डाटा भी नहीं कटता और आपका जो एप्लीकेशन के जो बग वायरस होते हैं, जंक फाइल होती है, वो भी क्लीन हो जाती है उस एप्लीकेशन की वजह से। जो पार्टिकुलर एप्लीकेशन होती है जैसे गेमिंग वगैरह भी हो सकता है, उसकी वजह से आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा आपका मोबाइल। तो गाइस यहाँ पर इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई और सवाल है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।